Assalamualaikum students, students. I am your teacher from Supreme Education School System. How are you? I hope student you all are safe and sound. So student, this lecture for class 5. Class 5, as you know that in our previous lecture we done creative writing topic, my hobby, and today we are going to study comprehension passage on your workbook, page number 30. Comprehension passage. So let's start our lecture. And the passage is, this passage relate India and Pakistan war. So India made a sudden attack on Pakistan on the 6th September 1965. इंडिया ने पाकिस्तान पर 6 सितंबर 1965 को अचानक हमला किया. द अटैक वॉज मेड विद हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी एंड एयर फोर्स मैनी टाइम बिगर देन दोज ऑफ पाकिस्तान. और ये हमला एक बहुत बड़ी आर्मी और एयर फोर्स की मदद से किया गया था, ठीक है. द वॉर कंटिन्यू फॉर 17 डेज. और ये जो जंग थी ये 17 दिन जारी रही थी, 17 डेज जारी रही थी. इंडिया वॉज बीटन बैक विद हैवी लॉसेस. इंडिया को बहुत भारी नुकसान के साथ शिकस्त हुई. द एनिमी लॉस्ट 113 प्लेन्स एंड 1000 वर टेकन प्रिजनर. दुश्मन के 113 तैयारे तबाह हो गए थे एंड उनके 1000 कैदी बने थे. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह की मदद से, एंड थ्रू द ब्रेवरी ऑफ आवर फोर्सेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ आवर पीपल एंड द लीडर, खुदा की मदद से और हमारी बहादुर फोर्स और लोगों और हमारे रहनुमा के पुख्ता इरादे से पाकिस्तान वन अ नेम इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान ने दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया क्योंकि पाकिस्तान को इस जंग में फतह हुई थी, मतलब पाकिस्तान जीत गए थे 1965 की जंग. एंड ओवर आर्मी अर्नड अ बैड नेम. और हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने पूरी दुनिया में एक बुरा नाम कमाया, ठीक है, बदनामी कमाई. सो हेयर आर सम क्वेश्चन. Answer the following question. First question is, when did India attack Pakistan? Pakistan par India ne attack kab kiya tha? And the answer is very first line on your paragraph. As you can see, India attacked Pakistan on the 6th of September 1965. Second question is, for how long did the war कॉन्टिन्यू. ये जंग कितने दिन तक जारी रही थी. एंड द आंसर ऑन योर पैराग्राफ थर्ड लाइन, द वॉर कॉन्टिन्यूड फॉर 17 डेज. ये जंग 17 दिन तक जारी रही. थर्ड क्वेश्चन इज, हु वॉज बीटन इन दिस वॉर. इस जंग में कौन हारा था, किसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था. एंड द आंसर ऑन योर पैराग्राफ लाइन नंबर 3, इंडिया वॉज बीटन बैक विद हैवी लॉसेस. इंडिया को बहुत भारी नुकसान के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा. द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वर द लॉसेस ऑफ द इंडियन प्लेन्स. इंडियन के कितने तैयारे जो थे वो तबाह हो गए थे. And the answer on the paragraph line number 4th, the enemy lost 113 planes and 1000 were taken prisoner. आपसे उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने तैयारे इंडिया के जो थे वो तबाह हुए थे, तो आप आंसर लिखेंगे द एनिमी लॉस्ट 113 planes. द लास्ट क्वेश्चन इज, Who earned the bad name in this war?
इस जंग में किसने पूरी दुनिया में एक बुरा नाम कमाया था, जिसे बदनामी का सामना करना पड़ा था? एंड द आंसर इज द लास्ट लाइन, ओवर एनिमी अर्नड अ बैड नेम. एंड हु इज आर एनिमी? इंडिया. इंडिया अर्न अ बैड नेम. इंडिया अर्न द बैड नेम इन दिस वॉर. इंडिया को इस जंग में बदनामी का सामना हुआ या उसने एक बुरा नाम कमाया. सो स्टूडेंट, दिस इज योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 30. स्टूडेंट राइट आंसर ऑन योर वर्कबुक. दिस इज योर होम असाइनमेंट. सो टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.